आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM Production। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए क्या है कि कृष्ण को पता तो था कि राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए उन्हें जरासंध जैसे अधर्मियों का अंत तो करना ही पड़ेगा, पर इस युद्ध में बेकसूर लोग भी मारे जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध में चुनौती देने की योजना बनाई। मैं कृष्ण और पांडवों की जरासंध को मारने की उस योजना का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कुछ नहीं छिपा, कोई अखाड़ा, कोई राजमहल, कुछ नहीं। भीम को मल्ल युद्ध में पछाड़ना आसान नहीं था, और अगर जरासंध की सेना अटैक करती तो उसे रोकने के लिए अर्जुन था। इस तरह कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के महल के लिए चल पड़े। असल में जब से कृष्ण ने कंस को मारा था, जरासंध तभी से कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता था, और आखिरकार कृष्ण, भीम और अर्जुन साधुओं के वेश में गिरिव्रज के नगर द्वार पर पहुंच चुके थे। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। सुनो बच्चा, ये यहाँ भीड़ कैसी? महाराज, जरासंध ने महायज्ञ का आयोजन किया है जिसमें वो पूरे 100 राजाओं की बलि देकर महादेव को प्रसन्न करेंगे। आप जैसे बहुत से साधु पधारे हैं यहाँ। ओ, जय शिव शंकर। ये बताओ बच्चा कि यहाँ इतनी सारी जांच पूछ किस लिए हो रही है? अरे भाई, इतना बड़ा यज्ञ है, ऐसे में कोई दुष्ट यज्ञ में बाधा भी तो डाल सकता है। ठीक है भाई, तुम जाओ। अब क्या करें, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी हैं। इन्हें अंदर कैसे ले जाएं केशव? यदि पकड़े गए तो यहाँ प्राण दंड के सिवा इनका कोई विधान नहीं है। और फिर यहाँ इतनी भीड़ है कि नगर द्वार से अंदर जाने में पूरा एक सप्ताह लग जाएगा। इतने समय में तो वो पापी जरासंध ना जाने कितने राजाओं की बलि दे चुका। एक मार्ग तो है, बहुत कठिन है, हमें 5 पहाड़ों को पार करना होगा। चिंता मत करो, मैं आप दोनों को कंधे पर लेकर इन टीलों को पार कर जाऊं। बस बस, तुम तो बात बात पर, इन पहाड़ों को हम स्वयं भी पार कर सकते हैं। दोनों चुप रहना, मैं उस व्यक्ति से जरासंध के बारे में कुछ पूछता हूँ। पर मगध का नागरिक हमें जरासंध का भेद क्यों देगा? अरे ये तो हमारे पास ही चला आ रहा है। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। महात्मा जी कहिए, क्या सेवा करें आपकी? भाई वो हमारे बड़े वाले गुरु जी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बच्चा, हमने सुना है महाराज जरासंध बड़ा भारी दान पुण्य कर रहे हैं। ईश्वर झूठ ना बुलवाए महात्मा जी, पर पहले पाप करो और फिर पाप की धुलाई। 100 राजाओं की हत्या करके इस दान पुण्य का क्या अर्थ है? पर आप सब लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? महाराज तक बात पहुंच गई तो मैं जान से जाऊंगा। निश्चिंत रहो बच्चा, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि इस दान के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं महात्मा जी? जाइए, जाकर आप भी हमारे महाराज के पाप में भागीदार बन जाइए। नाना बच्चा, हम तो आपके महाराज के पाप धोने आए हैं। अरे महात्मा जी, एक पाप किया होगा तो धोगे ना? उसने तो इतने पाप किए कि धोते धोते आपका जीवन कम पड़ जाएगा।
प्रजाजनों, अन धन रत्न आभूषण जिसको जो चाहिए अपनी झोली फैलाए, मुझे साक्षात भगवान महादेव ने संकेत दिया है कि हमारे इस दान उत्सव से मगध का कल्याण होगा। ये दान यज्ञ पूरे सप्ताह भर चलेगा और इस उत्सव के बाद पूरे 100 अभिमानी राजाओं की बलि दूंगा। तो पाप करके ऐसे दान पुण्य का क्या अर्थ है? इतना क्यों सोच रहे हो भाई भीम? पूरा आर्यवर्त जानता है कि उसकी बुद्धि फिर चुकी है, पर अब उसका ये खेल सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो भैया भीम? इन पहाड़ों पर सैनिकों का पहरा है, किसी को आभास भी हो गया तो हमारा भी यज्ञ हो जाएगा। अवश्य वो एक क्षण बिना गवाए हमें मृत्यु दंड दे देगा। इस अंधेरे में तो मार्ग भी दिख नहीं रहा। ये कैसी ध्वनि है? वो मेरे पैर की ठोकर से चट्टान लुढ़क गई। अरे अरे, अपने पैरों को संभाल लो भीम, वैसे ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और तुम लगता है कोई अनहोनी हो ही गई। ठहरो, कौन हो तुम लोग? भाई हम परदेसी हैं, नगर में उत्सव देखने जा रहे हैं। पर ये तो नगर का प्रवेश द्वार नहीं, इधर कैसे चले आए, वो भी आधी रात में? नगर द्वार पर इतनी भीड़ है कि वहाँ से तो महीने भर तक प्रवेश ही नहीं मिलता। बकवास बंद करो, इस जगह में घूमने वाले को मार डालने का आदेश है। अच्छा, तो फिर मार ही डालो हमें। पर यदि इस चक्कर में तुम मारे गए तो हम पर बिना बात के ही पाप चढ़ेगा। बड़े बोल मत बोलो, यहाँ सैकड़ों सैनिक हैं, सुरक्षा घंटा बजाते ही तुम लोग घेर लिए जाओगे। आनंद मनाओ कि मैंने अभी तक सुरक्षा घंटा बजाया नहीं। क्यों भाई, हम पर ऐसी कृपा क्यों? क्योंकि हम अपने निरंकुश राजा से स्वयं दुखी हैं। वाह, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो भांजे? आधी रात में कौन सी पूजा कर रहे हो? महादेव के क्रोध का आह्वान करना चाहता हूँ मामा, अब महादेव का कोप ही उस भीम का अंत करेगा। अरे भांजे, वो जहाँ पहुँचे हैं ना, वहाँ उन्हें तांडव करते हुए महादेव ही मिलेंगे। शिव साधना करके जरासंध खुद महाकाल बन गया है। पर मामा, 4 दिन हो गए पर आज तक किसी एक के भी मारे जाने की सूचना नहीं मिली। हमारा कोई गुप्तचर गिरिव्रत से कोई शुभ सूचना लेकर आया ही नहीं। मिट्टी डालो भांजे, अपने क्रोध पे मिट्टी डालो। क्रोध से विवेक हो जाता है और विवेक होने से भाग्य सो जाता है। वो अवश्य मारे जाएंगे, अवश्य मारे जाएंगे। महाबली जरासंध से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो क्या आपको कोई सूचना मिली मामा? क्या वो गैंडा भीम जरासंध से टकराया? आखिरकार दुर्योधन जिस समय का इंतजार कर रहा था वो आ गया। अर्जुन, भीम और कृष्ण जरासंध के सामने खड़े थे। बिना कोई सूचना के महाबली जरासंध के आराम में खलल पड़ी तो वो बाघ सा गुर्राया। पर कोई गुर्राए और भीम चुप बैठ जाए, ये तो भैया हो नहीं सकता था। होश में आओ मगध नरेश, तुम्हारे ये सैनिक हमें छू भी नहीं सकते। यदि तुम ऐसे ही महामल हो तो अखाड़े में आओ, और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि शत्रु पर गर्जा नहीं करते, प्रहार करते हैं। शत्रु? वाह साधु महाराज वाह, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। धन्य है, धन्य है आपका दुस्साहस। पर शायद तुम्हें पता नहीं कि जरासंध से टकराना तो दूर, उससे आंख मिलाने वाला भी जीवित नहीं बचता। तेरे जैसे मूर्ख को चींटी की तरह मसल देता है जरासंध। अरे तो देर क्यों कर रहे हो भाई, सिंहासन से उठो और मसल दो। मैं भी तुम्हारे बाहुबल को आजमाना चाहता हूँ।
आओ चुनौती स्वीकार करो। साधु हो पर मनोरंजन अच्छा कर लेते हो। मल्ल विद्या जानते हो या वो भी मैं ही सिखाऊं? ये सीखना सिखाना भी हो जाएगा महाराज, पर मृत्यु से पहले ईश्वर का नाम तो ले लो। मूर्ख साधु तेरा ये साहस, रुक अभी दिखाता हूँ तुझे। सब वहीं रुक जाओ। कोई आगे बढ़ा तो हड्डियों का चूरण बना दूंगा। मुझे केवल मगधराज के साथ लड़ना है, इसलिए अपने प्राण दांव पर मत लगाओ। वाह वाह वाह, मुझसे लड़ने तो चले आए साधु महाराज, पर क्या मेरे बल की चर्चा कभी सुनी है? तुम्हें पता है कि अपने यज्ञ की पूर्ण आहुति पर पूरे 100 राजाओं की बलि देने जा रहा हूं। तुम तो मेरी भी बलि देना चाहते थे जरासंध, पर मुझे ढूंढ तक नहीं सके। जीवन भर भटकते ही रह गए मेरे पीछे। क्या तुम मुझसे मिल चुका है सन्यासी? कई बार। याद कर, गोमांतक पर मैंने तुझे जीवन दान दिया था। कई बार मुझे मथुरा में ढूंढने आया था पर खाली हाथ लौटा, और लौटने से पहले तूने हमारे घरों को जलाकर अपना क्रोध शांत किया। ओह, तो तू है ग्वाले? आदेश दे महाराज, मैं इसे चुटकी में मसल दूंगा। नहीं, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव ने इसे यहाँ भेजा है। तैयार हो जा, सबसे पहले मैं तेरी बलि दूंगा। तू वृंदावन में गाय चराने वाला वही ग्वाला है ना, जो मेरे डर से भागा भागा फिर रहा था? हाँ, मैं वही ग्वाला हूँ जरासंध, और आज तेरा उद्धार करने यहाँ आया हूँ। पर आज भी मैं तुझे एक अवसर जरूर दूंगा। यदि तू अब भी नरबलि न करने की शपथ ले ले तो मैं तेरे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। क्षमा? ग्वाले, तू मुझे क्षमा करेगा? महाबली जरासंध को क्षमा करेगा तू? जरासंध पागल सा चीख रहा था और कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, जबकि भीम बार बार ताल ठोक कर जरासंध का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में कांपता जरासंध अपना आपा खो चुका था। जब अहंकार पर चोट पड़ती है ना भैया, तो मनुष्य क्रोध की आग में खुद को जलाने लगता है। क्या आपने कभी खुद को क्रोध की आग में जलते हुए महसूस किया है? याद कीजिए, किया होगा। सुनते रहिए महाभारत।